पहले जो ये रिटर्न लाइन काफ़ी ज़्यादा आ रहा था चार नंबर में, अभी देख सकते हो चारों सेम दिख रहा है अपने को। इसी से गाड़ी अपना बंद होने का प्रॉब्लम हो रहा था, गाड़ी बंद होता था कभी लंबा चलेगा ना 25 से 30 किलोमीटर, कभी रास्ते में रनिंग में ऑटोमेटिक बंद हो जाता था गाड़ी, और फिर स्टार्ट होने में काफ़ी प्रॉब्लम करता था। कभी हुआ तो वह थोड़ा टाइम रुकना पड़ता था, स्टार्ट हुआ तो फिर तो नहीं हुआ, और कभी कभी स्टार्ट भी नहीं होता था, तो इसमें ये सब दिक्कत था। किसी ये इंजेक्टर वाले भाई, यहाँ ये देख सकते हैं, अब स्पेशल कूलर लगाए थे हमने, ये डबल इसमें आता है थ्रेड, ये अंदर भी टाइट होएगा और ये उसमें भी, मतलब अंदर भी टाइट इसके अंदर होएगा बाहर भी, फिर भी ये नहीं निकल रहा है। तो अभी इसका हम फाइनली हम हेड खोलेंगे, ये हमारे इंजेक्टर वाले भाई हैं, देख सकते हैं इसका इसमें पाना लगता अपना, ये ऐसा रहता है, ये इस टूट गया ऊपर से, पर बोल्ट नहीं खुला, इतना जाम है ये। तीन बोल्ट जो टूट गया था ऊपर से नहीं खुला था, देख सकते हो उसको वेल्डिंग करके हमने खोला। कोई स्पोर्ट गाड़ी है, उसका हेड है, इसमें अपने हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपना इंजेक्टर का प्रॉब्लम था। देख सकते हो ये हेड हमारा टर्नर से आ गया, जो कि इसका इंजेक्टर ये जो जाम था निकल नहीं रहा था, तो इसको हमने निकलवा दिया अभी और इसको पूरा साफ कर रहे, और इसका इंजेक्टर का ये कंडीशन आप देख सकते हो, ऐसा ये पूरा टूट गया, इतना जाम था, ये देख सकते हो इतना जाम था कि चारों इंजेक्टर इसका खराब हो गया, ये देख सकते हो। और ये हमने चार इंजेक्टर इधर दूसरा लिया हुआ है, और अपना ये तीन बोल्ट जो टूट गया था ऊपर से नहीं खुल रहा था, देख सकते हो उसको वेल्डिंग करके हमने खोला, इसका बोल्ट भी हमने नया लिया हुआ है। इसके इंजेक्टर के लिए अपने को इसका हेड खोलना पड़ा था, क्योंकि इंजेक्टर इसका बाहर नहीं आ रहा था, इंजेक्टर में इसकी प्रॉब्लम था, एक इंजेक्टर इसका शॉर्ट हो गया था, बाकी का फीडबैक लाइन जो है ना ज़्यादा आ रहा था, इसके लिए स्टार्टिंग का इशू था, गाड़ी का बंद होने का प्रॉब्लम था। तो अभी हम इसको फिटिंग कर रहे पूरा, ये इंजेक्टर चेंज किए, ये इंजेक्टर चेंज कर रहे हैं इसमें चारों, ये और इसका फिटिंग चालू हुई है, देख सकते हो अभी। देख सकते हैं हमने इसका ब्लॉक पूरा क्लीन कर लिया, ये भी टाइमिंग पे ही है, इसका क्या है पिस्टन हाफ पे आता है जब भी टाइमिंग खुलोगे तो ये भी पूरा क्लीन हो गया, इसको फिटिंग कर रहे हैं हम, और गैस पर जो है ना पुराना ही रखेंगे हम, क्योंकि अपना गाड़ी ओवर हीटिंग नहीं हुआ था, खाली हमने इंजेक्टर के लिए खोला हुआ था, तो गैस पीट चल जाएगा, इस पर हम स्लेक लगाएंगे वाला, इस पर ये बुलडॉग है ये, इसको लगा के हम फिटिंग करेंगे, ये गैस कंप्रेसर के एरिया में सिर्फ लगाएंगे इसको, तो फिटिंग करते हैं इसको, सिले को लगाना है इस पर, ये अपना हो गया। फटाफट इसको हेड का बोल्ट फुल टाइट मारेंगे,
फाइनल टाइट कर रहा हूँ अभी। रोकर हम फिटिंग कर रहे जो कि इधर आप देख सकते हो, इसको ऑयल लगा के लगाने का। तो ये भी रोकर अपना हो गया, अब इसका रोकर आर्म फिटिंग करेंगे, इसके ऊपर आएगा इस साइड का। तो इसका रोकर ही हमने इधर फिटिंग कर दिया, रोकर और आर्म का। अभी इसमें रिंग लगाना रहता है, जिसके इधर भी रिंग आता है वाल प्रेशर के लिए, 5 रिंग रहेगा इधर लगाना रहेगा। तो ये मैं 3 लगाया हूँ, ये एक चौथा, एक पांचवा जो कि यहाँ पे आएगा। ये कैम को लुब्रिकेट करता है, यहाँ से प्रेशर होके जाता है इसके ऊपर। अभी इसके ऊपर अपना याला फिटिंग होएगा। ये क्या 3 फीस में रहता है, एक इसके ऊपर लगेगा, उसके ऊपर कैम आएगा, फिर उसके ऊपर याला आएगा। तो ये देख सकते हो, ये अपना रिंग का जो है ना, यहाँ पे ये प्रेस होएगा, जो रिंग मैंने लगाया वहाँ पे ये बैठेगा। उसके बाद में कैम आएगा, उसके ऊपर से याला फीस आएगा अपना, इसको फिटिंग करके देख सकते हो। कैम हमने इसको फिटिंग कर दिया कैम को, और इसको हमने टाइमिंग पे लिया हुआ इधर देख सकते हो, ये लॉक किया इधर पे, और इसका ये कैम का रोटेशन आप देख सकते हो। तो अब इसका ये टाइफिट को हम फिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इधर आप देख सकते हो। इस तरह रहेगा, इसमें 9 बोल्ट आएंगे देख सकते हो। तो ये अपना हेड कंप्लीट हो गया, अब इसका हम टाइमिंग लगाएंगे इसको फिट कर टाइट करने के बाद में। देख सकते हो ये इसका क्रेन का टाइमिंग है, ये एक बड़ा तो ब्लर हो गया है। तो ये देख सकते हो ये इसका क्रेन का टाइमिंग है, और ये इसका कैम का टाइमिंग है जो यहाँ पे ये लॉक होएगा, ये आप देख सकते हो। ये इसका कैम का टाइमिंग है, इसका हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग है इधर देख सकते हो। ये दोनों कैसा ना एक साइड में होना चाहिए, इधर भी पॉइंट दिया हुआ है देख सकते हो, साइड में भी और इधर पे भी है, ये देख सकते हो। ये इस तरह है, इधर पे भी है और ये साइड में भी है, मतलब पॉइंट के ये पोजीशन में होना चाहिए। इसका हाई प्रेशर पंप का है, और ये इसका कैम का टाइमिंग है जो इधर देख सकते हो, ये इसमें ऐसा लॉक होएगा। और ये इसका क्रैंक का टाइमिंग है, तो देख सकते हो ये काफ़ी इजी टाइमिंग है। इस तरह इसको लॉक करके अपने को बेल्ट लगाने का। तो अभी इसका टाइमिंग का बेल्ट हम फिट कर रहे हैं, तो ये देख सकते हो ये टाइमिंग बेल्ट इसका अभी हम फिट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ इस तरह फिटिंग होएगा, जो कि हमने ये टाइमिंग बेल्ट को चढ़ा दिया अभी। इधर आप देख सकते हो ये अपना फिटिंग हो गया, अभी इसको इसका बेल्ट टेस्टर से भी इसको टाइट कर लेंगे। ये बेल्ट अपना चढ़ गया, जो कि देख सकते हो। अभी क्या करेंगे ना, सारा जो लॉक है ना अपन बाहर निकालेंगे बेल्ट को टाइट करने के बाद में। इसका बेल्ट टाइट कर लेते, ओवर करेंगे तो बेल्ट ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ये बस हो गया, यहीं पर अपने को करके अपने को लॉक करने का है इसका टेस्टर का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर करके अपने को फिर लॉक करने का है। तो ये देख सकते हो मैंने किस तरह इसको लॉक कर दिया, दिखाने के लिए किया हो। अब क्या ना, इसको अपन इधर से फुल टाइट कर सकते हैं, ये देख सकते हो, पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या, लॉक करके अपन टाइट इसमें कर सकते हैं, टेंशनल जगह पे लॉक हो जाएगा ये। तो ये फुल टाइट हो गया अभी, तो ये देख सकते हो फाइनली अपना ये टाइमिंग पूरा टाइट हो गया, टाइमिंग टेंशनल वगैरह बेल्ट देख सकते हो। अब इसका सारा ये लोग बाहर निकाल लेंगे, और ये क्रेन का भी। तो अब इसको एक बार कभी भी टाइमिंग मिलाने के बाद में ना, कभी भी टाइमिंग बेल्ट आप मिलाते हो कोई भी गाड़ी हो, तो एक बार ज़रूर आप एक दो टर्न घुमा के चेक कर लें, और चेक करना भी चाहिए। तो अब इसको हम टर्न लेके चेक करेंगे, तो मैं इधर पे टर्न घुमा के लेता हूँ।
चेक करना चाहिए अपने को कभी भी। अपना टाइम तो ओके अपने को पता ही है, लेकिन फिर भी क्या ना घुमा के देख लेने का। देख सकते हो अपना इंजन एकदम परफेक्ट घूम रहा है। देख सकते हो ये अपना एक राउंड हो गया। अगर कुछ जरा भी प्रॉब्लम रहेगा तो वाल क्या है ना पिस्टन पे टच होएगा, यानी इंजन लॉक होने लगता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट है, फिर भी क्या है ना चेक करना चाहिए। हाँ तो बेल्ट दबा कर रखा हो पाना ना, देख सकते हैं इसका टेस्टर क्या है ना पाना नहीं लगता है। तो अपन इस तरह 15 का टेंशन लगा के अपन बैठा सकते, देख सकते हो ये इको स्पोर्ट में सिर्फ। हाँ ये हो गया अपना बेल्ट चढ़ा के, इसका अलग ही पाना आता है लगाने का। तो ये देख सकते हैं अपना गाड़ी अभी स्टार्ट है ये, बट फाइनल एकदम पूरा फिटिंग नहीं हुआ है, मतलब बाहर का पूरा फिटिंग बाकी है। गाड़ी एकदम परफेक्ट स्टार्ट है, और पहले जो ये रिटर्न लाइन काफ़ी ज़्यादा आ रहा था 4 नंबर में, अभी देख सकते हो चारों सेम दिख रहा है अपने को। इसकी वजह से गाड़ी अपना बंद होने का प्रॉब्लम हो रहा था। गाड़ी बंद होता था कभी लंबा चलेगा ना 25-30 किलोमीटर, कभी रास्ते में रनिंग में ऑटोमेटिक बंद हो जाता था गाड़ी, और फिर स्टार्ट होने में काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा था। कभी हुआ तो वह थोड़ा टाइम रुकना पड़ता था, स्टार्ट हुआ तो फिर तो नहीं हुआ, और कभी कभी स्टार्ट भी नहीं होता था। तो इसमें ये सब दिक्कत था, इसमें सिर्फ इसके इंजेक्टर का प्रॉब्लम था। तो इसका इंजेक्टर एक्चुअली ओपन नहीं हुआ था, इसके लिए अपने को ना इसका अपने को हेड खोलना पड़ा, क्योंकि इसका इंजेक्टर जो स्टक हो गया था, इसके हेड में जाम हो गया था पूरा। तो इसका हेड इसके लिए हमने खोला था, इसके इंजेक्टर के लिए, इंजेक्टर निकल नहीं रहा था, जो कि आपने देखा होगा पार्ट 1 में इसका इंजेक्टर जो टूट गया निकालने में। तो अभी गाड़ी अपना फाइनल एकदम ओके है, जो इधर आप देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट भी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है गाड़ी में। अभी हमने रिटर्न का जो लाइन इसका नहीं लगाया हुआ है चेक करने के लिए, इसका फीडबैक कैसा है, इसका फीडबैक एकदम ओके है, इधर देख सकते हो आप। तो ये आप देख सकते हो गाड़ी एकदम परफेक्ट अभी है। तो अभी इसको फाइनल पूरा फिटिंग करके फिर इसको ट्रायल लेंगे। अपना ये पूरा फाइनल फिटिंग हो गया ये। हाँ देखते गाड़ी अपना एकदम साफ चल के स्टार्ट एकदम। ये देख सकते अपना गाड़ी अभी कैसा ना स्टार्ट है, ये पूरा आइडल भी एकदम परफेक्ट है, फाइनल पूरा फिटिंग हो गया अपना। अब इसको टेस्ट ड्राइव पे ले रहा हूँ, उससे पहले एक बार आपको वापस से बंद चालू करके दिखा देता हूँ। तो ये मैं गाड़ी अभी बंद किया, इग्निशन ऑन किया, अभी ये वापस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गया, देख सकते हो तुम गाड़ी एकदम परफेक्ट स्टार्ट है। हाँ ये देख सकते हो वापस से गाड़ी मैंने बंद किया, इग्निशन ऑन किया, और ये गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट है हाफ सेल पे, एकदम गाड़ी परफेक्ट है। और इंजेक्टर हमने पूरा इसका चेंज किया, आपने देखा इसमें हमने क्या किया, इसका पूरा हेड रिमूव कोल फिटिंग किया पूरा हमने, सिर्फ इंजेक्टर के लिए इसका पूरा हेड अपने को कोल फिटिंग करना पड़ा। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे इंजेक्टर के अंदर जो इसका कंट्रोल वाल आता है ना, कैसा डेल्फी के इंजेक्टर में कंट्रोल वाल आता है, बट इसमें कंट्रोल वाल नहीं है, उसमें एक बॉल आता है, उसका ना मतलब रनिंग हो के ना उसका जो है ना पॉइंट बड़ा हो जाता है, तो इसका रिटर्न फ्लो ज़्यादा होने लगता है, इसके कारण गाड़ी में स्टार्टिंग का इशू होने लगता है, अनस्टार्टिंग प्रॉब्लम, लॉन्ग क्रैंकिंग, गाड़ी का बंद होना, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। सेम कंट्रोल वाल जैसा रहता है वो भी, पर इसमें बॉल आता है और डेल्फी के इंजेक्टर में कंट्रोल वाल आता है, तो इसका ही प्रॉब्लम था इसमें। तो इसके लिए अपना क्या ना हेड सिलेंडर ओपन भी नहीं हो रहा था, मतलब कैसा है ना इंजेक्टर जो निकलना चाहिए वो हेड से निकल नहीं रहा था, जो कि आप देख सकते हो वीडियो में इंजेक्टर कैसा निकालने का काफ़ी कोशिश किए, प्रयास किए, बट इंजेक्टर निकला नहीं इसका। तो इसके लिए अपने को इसका हेड खोलना पड़ा, तो आप देख सकते हो वीडियो में। तो इसमें एयरबैग का लाइट है इसे क्लस्टर मीटर में और फ्यूल लो है, तो ये देख सकते हो गाड़ी एकदम परफेक्ट है चलने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अपना प्रॉब्लम सिर्फ इंजेक्टर में था। तो गाड़ी का हम टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो गाड़ी चलने में एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम्स रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।